I just हिमाचल महासभा के इस आयोजन में हमारे बीच में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद और लोकसभा में हमारे चीफ व्हिप भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे बीच में हमारा संगठन की तरफ से मार्गदर्शन करने वाले हमारे संगठन महामंत्री चंडीगढ़ श्री दिनेश शर्मा जी, सभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री सतीश शर्मा जी और सभा के पदाधिकारी के नाते श्री राकेश कुमार जी, और जिन्होंने हमारा नाम पूरे देश भर में रोशन किया, ऐसे हमारे डायरेक्टर पीजीआई डॉक्टर जगतराम जी, बीबीएमबी के चेयरमैन श्री डी के शर्मा जी, हमारे बीच में यहाँ पर श्री बी के कोठियाला जी, संस्था के सभी जुड़े हुए आदर के योग्य हैं सभी पदाधिकारी उपस्थित सभी भाई और बहन। एक विनम्र आग्रह तो पिछले लगभग एक वर्ष से लंबी था सभा की ओर से, यहाँ चंडीगढ़ में हम लोग रहते हैं और साल में एक बार मिलते भी हैं, मिलने के आयोजन और भी होते हैं, लेकिन अब की बार इस कार्यक्रम में आप आए। मैं क्षमा चाहूंगा कि हमारे मिलने में विलंब जरूर हुआ, और विलंब होने की वजह यह नहीं, एक बार दो बार हमने समय निर्धारित भी किया, लेकिन उसके बावजूद हमारा मिलना नहीं हो पाया, और इसलिए इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए, जिस चीज को जब होना है तभी होती है। इसलिए हमारा आप लोगों का सामूहिक रूप से इस प्रकार से मिलना आज ही होना था, इसलिए आज ही हो रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ी अव्यवस्था हुई हमारी वजह से, नहीं होनी चाहिए थी, मुझे शिमला वापिस निकलना पड़ रहा है, किसी काम से जरूरी पहुंचना है, अगला शेड्यूल हमारा व्यस्तता का है और मौसम खराब हो रहा है, तो हेलीकॉप्टर वाले बोल रहे हैं कि आ जाइए, नहीं तो हम जा रहे हैं। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं चाहता था अनुराग जी को हम सुने पहले, लेकिन अनुराग जी आपके साथ पूरा समय रहेंगे और बाकी सब लोग रहेंगे। चंडीगढ़ में हमारा आना जाना होता है, और आमतौर पर जब दिल्ली जा रहे होते हैं तो ट्रांजिट हमारा कई बार यहां से होता है, और इसलिए सब साथी, बहुत सारे साथी हमारे यहाँ पर जो मिलने आते हैं, मिलना तो होता है, लेकिन जब दिल्ली जा रहे होते हैं तो दिल्ली जाने की जल्दी होती है, जब दिल्ली से वापिस होकर के शिमला जा रहे होते तो शिमला की जल्दी होती है, और इसलिए सामूहिक रूप से इस प्रकार से ये बैठना मिलना हमारा हो नहीं पाया, आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं सभी सभा के पदाधिकारियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उनके कारण ही सब हो पाया। थोड़ा और भी कंफ्यूजन था, मैं कह दूं, बहुत लोग और भी मिलते थे कि हमारी भी सभा है, तो उसमें सभा कौन सी है, जब उन्हें जिक्र किया हमारी महासभा है, तो फिर मैं निष्कर्ष पे पहुंचा कि यही मुझे लगता है कि असल में, क्योंकि आमतौर पर जब हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में भी इस प्रकार से हमको आग्रह आते हैं कि हमारी हिमाचल सभा है, हमारी ये सभा है, वो सभा है, और इतनी सभाएं बन गई, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना वो तय करने की कठिनाई हो जाती है।
लेकिन सभाओं में सबका सामूहिक रूप से मिलना और खास तौर से इस बैनर के अंतर्गत जो पिछले 36 साल लगातार 36 साल से इस संस्था के माध्यम से हिमाचल में रहने वाले जितने भी लोग यहाँ चंडीगढ़ में उनके साथ संबंध बनाए हुए संपर्क बनाए हुए हैं, अच्छे में उनके साथ ही, बुरे में उनके साथ ही, और जो चंडीगढ़ में नहीं भी रहते हैं, रहते हिमाचल में, लेकिन हिमाचल के रहने वाले जब इनको खबर पहुंचती है कि हिमाचल के आदमी है लेकिन उसके बावजूद उनके लिए मदद की आवश्यकता है, तो सभा के लोग आगे बढ़ करके उनकी मदद करने के लिए आते हैं, उनकी सेवा करने के लिए आते हैं, सहयोग देने के लिए आते हैं। इसके लिए भी मैं सभा के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वाभाविक रूप से जब जिक्र हिमाचल का होता वही तो कड़ी होती है जो हमको जोड़ती है, और वो सबसे मजबूत कड़ी ये है कि जब जिक्र हिमाचल का आता है हम कहीं भी इस दुनिया की दौड़ में पहुंच जाए, हम कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी सफल हो जाए, लेकिन मूल भाव जहां से अपना मन जाहिर होता है, जो मजबूत हमारा आधार है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हमेशा जोड़े रखना। और इस दृष्टि से ये बहुत जरूरी है कि हम भले ही, क्योंकि शहर में आने के बाद स्वाभाविक रूप से इस बात से सहमत हो कि आप लोग सब काम काज में व्यस्त रहने वाले लोग हैं, कोई अपना प्राइवेट व्यवसाय करता है, कोई अपना नौकरी पेशा करते हैं, सबके पास समय की कमी होती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक मूल भाव जब जोड़ने की बात आती है, जब भी जिक्र होता है कि हिमाचल का है, तो आदमी के पांव चलते चलते भी रुक जाते हैं कि चंडीगढ़ में हिमाचल का आदमी मिले और उसके लिए चाहे वो खुशी का अवसर है, चाहे वो अवसर खुशी का नहीं भी है, तब भी उनके साथ बात करने का मन करता है। ये आप लोगों ने कायम रखा है, इसको आपने जिंदा रखा है, इसको आपने मजबूत किया है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मित्रों, आप यहाँ पर चंडीगढ़ में अपने अपने माध्यम से जो समाज के लिए जो काम कर सकते हो तो कर ही रहे। मैं आप सबसे इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि हिमाचल से भले ही आप बाहर रहते हो या हिमाचल में आते जाते रहते हो, लेकिन हिमाचल के लिए बेहतर क्या है, हमको हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से काम करना है, हमको हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से सहयोग करना है, इन सारी बातों के लिए मैं खुला रहता हूं। जहां भी कोई आदमी हमको कोई सुझाव देता है, कोई बात कहता है, बात छोटी है चाहे बड़ी है, मैं सुनने की कोशिश करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, और उसके बाद जहां मुझे लगता है कि ये बात कही हुई ये काम की बात है, इसका लाभ लेना चाहिए, इससे हिमाचल को लाभ होगा, प्रदेश को लाभ होगा, तो मैं उसको ग्रहण करके उसको लागू करने के लिए भी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। उस दृष्टि में जरूर कहना चाहता हूं कि आप व्यस्त होंगे अपने कामकाज में, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल के लिए आप किस रूप में सहयोग कर सकते हैं, हिमाचल में आप लोग किस प्रकार से अपनी मदद कर सकते हैं, सुझाव के माध्यम से हमको भेजें। निश्चित रूप से जो करने की बातें होंगी वो निश्चित रूप से हम करने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक साल दो महीने का कार्यकाल बीता है और काम करते करते बीता है, इस बात को कह सकता हूं हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ लोगों ने पीढ़ी का परिवर्तन भी देखा है, और स्वाभाविक रूप से जब पीढ़ी का परिवर्तन की अगर हम बात कहते हैं, हमने कोशिश की है हट करके काम करें, हम नए इनिशिएटिव्स लें, हिमाचल को एक अलग माहौल में हम खड़ा करें, उस दृष्टि से हमने करने की कोशिशें की है, उसमें हम सफल भी हुए हैं। और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं जब हिमाचल प्रदेश में मैं पिछले 21 साल से हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अंदर हूं, 5वीं बार विधायक हूं, और ऐसे क्षेत्र से विधायक हूं जहां मेरी पार्टी की जमानत जब्त होती थी,
और यहाँ दिनेश जी बैठे हैं, जब मेरे को पहली बार टिकट दिया, ये मेरे साथ रहे गांव में, मेरे गांव में सोचने लगे इस टिकट का क्या करेंगे, क्योंकि वहां तो जमानत जब्त होती थी, लेकिन उन्हें हौसला दिया और यह उस वक्त संगठन की दृष्टि से मंडी में होते थे, जो भी है, जो भी हालात है, जो भी परिस्थिति है, और उस परिस्थिति में मेरे गांव से पैदल रास्ता आता था और लगभग एक घंटे से ज्यादा किसी की चढ़ाई होती, जैसे लिफ्ट जाती है ऐसे चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता था। तो ये घर पहुंचे कि चलो जो भी है चुनाव तो लड़ना है, और चुनाव लड़ करके जो भी परिणाम होगा देखेंगे, और परिणाम उस वक्त का सुखद नहीं रहा, थोड़े ही मोटू से आए, लेकिन एक बहुत सारी चीजों को उस वक्त सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, और उसके बाद जो चीजें सीखी, चाहे वो सीखी अपने छोटे व्यक्ति से, साथी से, चाहे हमारे संगठन के लोगों से, और उसका परिणाम हुआ कि आज उस विधानसभा क्षेत्र से मैं 5वीं बार विधायक हूं। एक सारी बातें कि मैं ऐसे परिवार की पृष्ठभूमि से नहीं हूं जिसका खानदान किसी राजनीति से संबंध रखता था, जिसका खानदान कोई बहुत ही बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, धन का अभाव नहीं। हम जीवन में उस दौर में से गुजरे हैं, जीवन में हमने हाथ से हल भी चलाया, अपने हाथ से अपनी पीठ पर जो है खेत में जो है मैल फेंकने के लिए जाते हैं, वो भी काम किया है। एक परिवार जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जिस प्रकार का जीवन बसर करता, उस दौर में से गुजरा। इसलिए व्यवहारिक चीजें क्या है, समाज की कठिनाइयां क्या है, गरीबी क्या है, उस दौर में से ये उसको उस दौर में से गुजरा, इसलिए समझने और समझाने की आवश्यकता के बिना ही हम समझ जाते हैं। लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, काम काम किया, काम छोटा मिला, छोटा किया, बड़ा मिला, बड़ा किया, जहां मिला जिस रूप में मिला काम किया, और उस काम का परिणाम करते करते सब लोगों को अनुभव हुआ कि एक ऑब्जेक्टिव के साथ काम करने वाला व्यक्ति जहां जो काम किया जाता उस काम को करते और पूरी मेहनत के साथ करते, लगन के साथ करते, और उन काम जो काम सौंपे गए उनके परिणाम सार्थक रूप से जो है सफल करने में हमारे मदद की। संगठन की छोटी सी उम्र में मुझे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला था, अपने संगठन का बहुत कठिन काम, मुश्किल काम है, लेकिन उसके बावजूद भी छोटी आयु में भी उसको भी हमने सफलता अपने सब साथियों के मार्गदर्शन से, सब बड़े नेताओं के आशीर्वाद से उसको पूरा किया। और हिमाचल प्रदेश में जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था उस वक्त पार्टी सत्ता में आई, निशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब बनी पहली बार, नहीं तो गठबंधन चुनाव से पहले होता था या गठबंधन चुनाव के बाद करना पड़ता था, ऐसे दौर में। तो ऐसे बहुत से दौर में से गुजर करके यहाँ पहुंचे भाई लोग। तो मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूँ, आप लोग भी अलग अलग संघर्ष के माध्यम से यहाँ पहुंचे, अलग अलग परिस्थितियों के दौर में से होकर के पहुंचे हैं। आपको एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप हिमाचल से होकर के यहाँ चंडीगढ़ में अपने काम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपनी नौकरी के लिए यहाँ पर हैं, और उस दृष्टि से आप बहुत सारी चीजों में हिमाचल के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश विकास की राह पर आगे तेज गति से बढ़े, और उस दृष्टि से हमने फोकस सिर्फ एक चीज पर किया है, काम काम और सिर्फ काम। इसके अलावा हम हमारे पास किसी चीज के लिए वक्त नहीं है। आमतौर पर हमने देखा जब हिमाचल प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होता था, पहली कैबिनेट की बैठक होती थी, पहली कैबिनेट की बैठक में जब निर्णय लेने की बात होती थी तो निर्णय ये लिए जाते थे कि पूर्व सरकार के इन सारे कार्यक्रमों, ये जो कार्यक्रम चलाए हैं, जितनी योजनाओं को हम रद्द करते हैं, पूर्व सरकार के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने की बातें होती थी, वो दौर समाप्त किया। और हमने कहा कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। सरकार बनी, कैबिनेट का पहला निर्णय ना ही राजनीतिक निर्णय, ना बदले की भावना के साथ काम करने की बात कही,
हमने पहला निर्णय क्या लिया हिमाचल प्रदेश में सरकार आने के बाद कि सबसे बुरा वक्त जिंदगी का जो आता है वो बुढ़ापा होता है, और बुढ़ापे में आज के कलयुग में कोई साथ नहीं। इस बात को आप मान से ना मानो, ये हकीकत है। इसको हमने बहुत, तो मुझे लगा कि उस वक्त ऐसी परिस्थिति हमारा निर्णय इस वर्ग के लिए होना चाहिए जो इस कलयुग के इस दौर में से जो गुजर रहा है, बहुत कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है, उनकी मदद के रास्ता क्या हो सकता है। उस दृष्टि से हमने पहला निर्णय लिया कि 70 साल की आयु के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं उनको आय सीमा में छूट देते हुए पेंशन का प्रावधान। पहला कहीं राजनीति नहीं, कहीं बदले की भावना नहीं, सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण, इस भाव के साथ हम आगे, और उस भाव के साथ आगे बढ़ने के बाद हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने देखा, आप लोगों ने देखा कि आज उस तमाम खबरें गायब जो फ्रंट पेज में हुआ करती थी, और अनुराग जी उस दौर में बहुत लंबे समय तक गुजरे, जिन नेताओं के बारे में खबर लगती थी आज इस कोर्ट में पेशी है, आज उस कोर्ट में पेशी है, आज अखबार चाहे 18 पन्ने का है चाहे वो 20 पन्ने का है, किसी भी पन्ने में शुरू से अंत तक के पन्ने में कहीं भी खबर नहीं होती कि किसी की पेशी इधर होती है, किसी की पेशी उधर होती है, तमाम बातें हिमाचल देवभूमि के नाम से जाता है, स्वाभाविक रूप से हमारा व्यवहार भी उसके अनुरूप होना चाहिए। ये सारी चीजों को लेकर के अनावश्यक राजनीति करनी अपने विचार के साथ करिए। आप जहां ठीक है गलत है, उस गलत को ठीक नहीं करना, ठीक नहीं मानना चाहिए, स्वाभाविक रूप से उसमें कानून अपनी एक जगह होता है, अपना काम करता है, लेकिन हमारा काम करने का तौर तरीका अलग से होना चाहिए कि हम उन्हीं चीजों को उलझ करके रहें, वही चीजें हम करने की कोशिश करें। तो ये मुझे लगता है कि हम सब पूरा प्रदेश अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है कि सब लोग आज हमारे एक साल के कार्यकाल के बाद जब बात करते हैं कि मूल रूप से अंतर क्या है, हिमाचल हिमाचल जैसा लग रहा है, हिमाचल देवभूमि की तरह लग रहा है, ऐसी परिस्थिति में ठीक है विकास के लिए हमारे सामने बहुत सारे चुनौती है, लेकिन हमने एक ही बात कही कि ईमानदार प्रयास का एक साल विकास का आदरणीय प्रधानमंत्री जब आए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो आपने स्लोगन दिया है कि आदमी ईमानदार प्रयास करे तो दुनिया का नक्शा बदला जा सकता है, तो हमने नारा ही यही किया। हमने कहीं किसी बात को लेकर के यही नहीं कहा कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, हमने सिर्फ एक बात कही ईमानदार प्रयास का एक साल विकास, ईमानदारी से काम करने की कोशिश, और उसमें मुझे इस बात का संतोष है। ठीक है काम जिंदगी में खत्म नहीं होगी, कभी खत्म नहीं होगी, बहुत लोग आए काम करते करते चले गए लेकिन फिर भी काम रह गए, काम छूट गए, बहुत चीजें सोची होंगी लेकिन बहुत चीजें हुई, बहुत चीजें रह गई। ऐसी परिस्थिति में खबर आप लोग भी है उस दौर में से ही गुजर रहे, काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कम से कम हमारा प्रयास ईमानदार होना चाहिए, इसमें तो किसी तरह से किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो हमारी ओर से ईमानदार प्रयास के लिए हिमाचल को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें हैं, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए और आप सबका आशीर्वाद चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। आशीर्वाद आज हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री लंबे अंतराल के बाद देश को एक मजबूत नेतृत्व दिया है, और मैं कहना चाहूंगा जहां हमारे यहां पर शर्मा जी कह रहे थे अभिनंदन जी का अभिनंदन है, हम भी उसमें साथ हैं, हम भी अभिनंदन करते हैं, हमने कैबिनेट जब उनका हिमाचल हिंदुस्तान की धरती पर प्रवेश हो रहा था तो हमारी कैबिनेट की मीटिंग उस वक्त शिमला में चली हुई थी, तो हमने कैबिनेट की मीटिंग में ही उसी वक्त ही प्रस्ताव पारित किया, और शायद मुझे लगता है कि देश में किसी कैबिनेट किसी प्रदेश की कैबिनेट ने उनका आगमन पर पहला प्रस्ताव जो है पारित करके उनका अभिनंदन किया, और देश की सेना को जो है जिनने लड़ाई को इस रूप में लड़ा, जो लड़ रही है बहादुरी के साथ लड़ रही है, उनके मनोबल को प्रोत्साहित करने के लिए उनको बधाई दी और प्रधानमंत्री जी को बधाई दी। एक नेतृत्व देश को अलग पहचान देने में सफल हुए,
पिछले दिनों जो दुखद घटना कश्मीर में हुई, सीआरपीएफ के जवान मारे गए, बड़ी संख्या में मारे गए, और हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर थे, सत्र चल रहा था, हमने सत्र छोड़ करके श्रद्धांजलि दी, और श्रद्धांजलि देने के बाद सचमुच में जिस प्रकार से पूरे देश में एक रोष था, आक्रोश था, हम लोग शौर्य से गुजर रहे थे, लेकिन यकीन था कि मोदी जी हैं, मजबूत नेतृत्व हमारे पास है और छोड़ने वाले हैं। इस भाव की एक अभिव्यक्ति मन में अपने आप स्वतः ही निकल रही थी, ये हो करके रहेगा, जवाब इस रूप में देने की आवश्यकता वो उनको मिलने वाला है। और कुछ दिनों के बाद जब हम सुबह उठकर के याद हो रहे थे तो खबर मालूम पड़ी कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है, और उसका परिणाम भी बहुत लंबा सा बड़ा सा देश और उसमें मैं महसूस करता हूँ जिस भाषा में पाकिस्तान को जवाब देने की आवश्यकता है थी उस भाषा में जवाब हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जो है संघर्ष में उस लड़ाई में पाकिस्तान की धरती पर जाके पाकिस्तान ने जो करने की कोशिश है वो करने की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ जब उनका बार बार आग्रह बात करने के लिए आ रहा था, बात करने की सारी गुंजाइशों पर विराम लगा दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक अभिनंदन देश नहीं आता, बात करने की सवाल ही पैदा नहीं। और इसके साथ साथ में पूरी दुनिया के ऊपर जो है इस प्रकार से एक माहौल खड़ा करके पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को अलग थलग किया गया, और आखिरकार पाकिस्तान को दो दिन के बाद अभिनंदन को भारत भेजना पड़ा। इसके लिए मैं अभिनंदन को बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत थी वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की गई, और जहाँ डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जो जिस प्रकार से इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की आवश्यकता थी वो बनाया गया। ऐसा दिन तो हमको वर्षों के बाद की आवश्यकता है, हम ऐसे नेतृत्व को हौसला दें, उनके साथ खड़े हों, उनको ताकत दें, उनको मजबूत करें, देश इनके हाथों में ही सुरक्षित है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और मैं लंबी बात नहीं कहना चाहूँगा आपके बीच में, मैं कोशिश करूँगा अगर संभव हुआ तो कभी, क्योंकि आजकल के दिनों में हम लोग भी व्यस्त हो गए किसी और काम में, क्योंकि अब चुनाव की तैयारियाँ हम राखी तो समय निकाल के आए, तो मुझे लग रहा था कि समय निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे, क्योंकि 5 साल के बाद ये दौर ऐसा आता है जहाँ ज्यादा जाने में कठिनाई आती है, समय अपने अपने क्षेत्र में लोग कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका आग्रह इतना विनम्र था उसको हमने स्वीकार किया, और आपके बीच में यहाँ आने का प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो एक मसला इसने बताया है कि चंडीगढ़ में हमको थोड़ी सी जगह चाहिए, वैसे हिस्से के मुताबिक हिमाचल का हिस्सा भी चंडीगढ़ में है, लेकिन वो मिलता नहीं, हम उसका जिक्र तो करते रहते हैं लेकिन मिलता नहीं है। हम कोशिश करेंगे, इसमें रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे, रास्ता क्या निकल सकता है उसमें हम कोशिश करेंगे। जो बातें आपने कही हैं, हम चाहते हैं सभा का संचालन अच्छा हो इस महासभा का, और इसके माध्यम से आप चंडीगढ़ में रह करके हिमाचल के लोगों को मदद करते हैं, और हिमाचल के लोगों की मदद जो भी करता है वो हमारा दिल जीतता है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, जो भी संभव हो पाएगा तो हम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं क्षमा के साथ मुझे जाना है, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।